हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरिंग आइडिया विद शिल्पा। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। आज का जो दिन है वो है गृह प्रवेश। इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू गाइस कि हमने ग्रेटर नोएडा में अपना घर लिया है, 3 BHK फ्लैट इन सोसाइटी, गुलशन बेलिना सोसाइटी इन ग्रेटर नोएडा। तो ये देखिए, हमारा सारा लगेज वगैरह सब कुछ आ चुका है और ये घर का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू की वीडियो ली है। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी बाद में घर। और ये देखिए, सब गेस्ट आ चुके हैं, सब इवन मैं गेस्ट नहीं कहूँगी, सारे हमारे जो क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स हैं वो आ चुके हैं। और हमने बहुत ही लिमिटेड रखा है हवन का, पूजा का। हमने सोचा बाद में अपने आराम से जिस जिसको बुलाना है आराम से बुलाएंगे। और उसके बाद अब ये देखिए, अब हमने गठजोड़ा बांध दिया मेरी ननंद ने। गठजोड़ा बांधने के बाद अब हम जा रहे हैं जयगढ़ के लिए। जयगढ़ नीचे से लेके आनी है। ये देखिए, गुड़िया दीदी आ चुकी हैं जयगढ़ को लेके। और अब ये जो जयगढ़ पानी से भर के लानी होती है, बट आज बहुत ज़्यादा बारिश है तो हमने सोचा कि नीचे सोसाइटी में ही एक बार चक्कर लगा के और पानी भर के जयगढ़ के अंदर तो आ जाएंगे, क्योंकि बाहर जाने का बिल्कुल स्कोप नहीं है। बहुत तेज़ बारिश है आज। अब ये देखिए, फ्लैट से बाहर निकलते ही जस्ट लिफ्ट है, तो हम लिफ्ट से सारे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फ्लोर है वो 14th फ्लोर है। तो उससे बिना लिफ्ट के नीचे जाना थोड़ा सा सबके लिए काफ़ी वो होता, मुश्किल होता। तो हमने लिफ्ट में, हम सब दो लिफ्ट हैं तो सब हाफ हाफ करके सब नीचे गए। आज मैंने साड़ी पहनी है, हमारे यहाँ हवन पे साड़ी पहनते हैं, तो मैंने गाजरी से कलर की साड़ी पहनी है। और ये साड़ी जो है, और हमारे जो कपड़े हैं तीनों के, अथर्व के और मेरे हस्बैंड के, वो सब मेरी मम्मी की साइड से होते हैं। हवन पे कहते हैं कि अपने घर के कपड़े पहने जाते हैं। तो ये देखिए, अथर्व ने बिल्कुल इथनिक सा ड्रेस पहनी है। मैं इसकी हमेशा अपने, इसके पापा के साथ मैचिंग करवाने की कोशिश करती हूँ, बट कोइंसिडेंस इतना होता है कि हमेशा मुझसे हो जाती है। तो ये देखिए, फिर अब हम नीचे आए हैं सोसाइटी के जैकेट को भरने के लिए। मुझे रिकॉर्ड करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बट फिर भी मैंने काफ़ी ट्राई करी है कि आप लोगों के साथ सब शेयर हो, आप लोग भी इंजॉय करें। तो ये देखिए, अब मैंने जयगढ़ में पानी भर लिया है, दोनों लोटों में पानी भर के। उसके बाद फिर हम ऊपर लेके जाएंगे जयगढ़ को। Thank you.
जो जेगढ़ है, जेगढ़ का पानी भरने के लिए हम स्टिल्ट एरिया में आए थे नीचे सोसाइटी के। तो वहाँ से भरने के बाद हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाके पंडित जी ने, फिर पंडित जी आ चुके थे, पंडित जी आज थोड़े लेट हो गए थे क्योंकि मैं बताया बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो बारिश की वजह से सब थोड़ा डिले हो गया था, बट स्टिल फिर भी सब अच्छे से चल रहा था। तो ये देखिए, उसके बाद अब लिफ्ट एरिया से हम बाहर निकले हैं, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाई। उसके बाद फिर हम अंदर की तरफ गए, तो पंडित जी ने मुझसे वहाँ पे घर के जो एंट्री होती है वहाँ पे छाबड़ी सतिया वगैरह बनाया मैंने। अथर्व तो बिल्कुल गोदी आने को तैयार ही नहीं था, तो वो रोए जा रहा था क्योंकि उसको खेलना था, सब उसके भाई बहन आए हुए थे तो वो सबके साथ एंजॉय कर रहा था। तो उसके बाद देखिए, अब मेरी सिस्टर इन लॉ हमारी आरती करेंगी और टीका करेंगी। उसके बाद तोता वगैरह और बंदरवाल वगैरह बांधती हैं हमारे यहाँ नंदे, तो काफ़ी अच्छा शगुन माना जाता है ये भी। अब ये देखिए, पंडित जी कुछ अपनी पूजा का ही पार्ट है ये भी, कि इस पर फूल वगैरह चावल वगैरह रख के और इस पर राइट पैर रख के ही आते हैं अंदर गृह प्रवेश के उससे। तो ये सब पूजा कर रहे थे और उसके बाद फिर मेरी सिस्टर इन लोगों ने हमारा आरता उतारा और उसके बाद फिर तोता और बंदरवाल बांधी घर पे। घर में आने के बाद गैस की पूजा करी जाती है क्योंकि अभी तक यूज़ नहीं करी है गैस, जलाई नहीं थी गैस। तो ये देखिए, सबसे पहले पंडित जी ने सब कुछ पूजा करवाई गैस की और उसके बाद यहाँ पे संकल्प वगैरह करवाया और उसके बाद गैस पे हलवा बनता है पूजा वगैरह होने के बाद। तो हलवा मामी जी ने बनाया था घर पर। तो सब पूजा होने के बाद उसके बाद ये हवन स्टार्ट होगा। तो हवन स्टार्ट होने के बाद फिर सब पूजा में बैठेंगे हवन में। अब ये है हमारे कन्हैया पंडित जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से पूजा करवाई। मैंने काफ़ी बार इनकी वीडियो भी डाली है, ये हमारे लक्ष्मी नगर में ही हैं और ये हमारे फैमिली मेंबर की तरह ही हैं क्योंकि सारी पूजा में हम इनको ही बुलाते हैं हमेशा। तो इन्होंने विधि विधान से बहुत अच्छे से पूजा करी और हमारी जो उसके बाद हमारा हवन वगैरह भी काफ़ी अच्छे से करवाया इन्होंने। अब ये जो जेगढ़ मैं नीचे से भर के लाई थी, वो उनका महत्व ये माना जाता है कि जिस तरीके से ये लोटे भरे हुए हैं पानी के, वैसे ही हमारा परिवार भी जो है भरा पूरा रहे, खुश रहे हमेशा। तो मैं जो ये जेगढ़ लाई थी वो मैंने पंडित जी ने पूजा में रखवा ली थी, वो कि पूजा में रखनी होती है। तो
है नहीं। उसके बाद किचन की पूजा करने के बाद पंडित जी ने हमारा हवन स्टार्ट करवाया और हवन भी काफ़ी विधि विधान से कराया इन्होंने। हवन वगैरह काफ़ी अच्छे से हो गया था, सबने हवन में अच्छे से सबने लास्ट में आहुति भी दी और पंडित जी ने सबको लास्ट में प्रसाद दिया और बीच में मौनी का धागा भी बांध दिया था सबके हाथ पे। तो सबने पूजा को भी काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने सबको लंच करवाया। लंच हमने यहाँ पे सोसाइटी में ही ऑर्डर्स ले लेते हैं लंच वगैरह के, तो हमने यहीं पे ऑर्डर दे दिया था। तो काफ़ी अच्छा लेस स्पाइसी खाना था तो सबको बहुत पसंद आया लंच। उसके बाद लंच करवाने के बाद सब विदा हो गए थे, तो उसके बाद फिर मैं उसके बाद वीडियो भी कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। फटाफट से चेंज करके मैंने फिर हमने थोड़ी बहुत सफाई करी क्योंकि झाड़ू मारते नहीं है जिस दिन पूजा होती है घर पे, तो हमने कपड़े से ही सारा क्लीन करा। उसके बाद सब कुछ क्लीन वगैरह करने के बाद हमने फिर रात को डिनर थोड़ा बहुत बाहर से मंगवा लिया था क्योंकि बिल्कुल एनर्जी नहीं थी बिल्कुल भी बनाने की, और सब अच्छे से हो गया। बहुत इस बात की बहुत खुशी थी और आप सबने बहुत ब्लेसिंग दी मुझे और बहुत बहुत मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे भी काफ़ी मैसेजेस किए ब्लेसिंग्स के, उसके लिए थैंक यू सो मच। दिस रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। आप लोगों की दुआएं ही हैं जो हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की ब्लेसिंग्स लेके। उसके बाद फिर पंडित जी वगैरह ने बताया था कि जो कलश वगैरह है वो अगले दिन हटाना है, तो सब अगले दिन पे छोड़ दिया। तो आज के लिए व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो हाउस वार्मिंग का तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, एंजॉय।